जैसे कि आप सब जानते हैं, ओसिन मोसु ने 2017 के दिसंबर महीने में मिस अरुणाचल का खिताब जीता था। मिस अरुणाचल 2017 इस और अब हाल ही में गुवाहाटी में हुए ऑडिशन के दौरान वह अरुणाचल प्रदेश के प्रतिनिधित्व में चुनी गई है। ओसिन अरुणाचल राज्य के सौंदर्य को निहारते देखते बड़ी हुई है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि जब मैं बड़ी हो रही थी तो मैंने देखा कि गांव कस्बों में तब्दील हो रहे हैं और कस्बे शहरों में, आबादी जो है ठहरने का नाम ही नहीं ले रही, और मैं हूँ कि मदर नेचर को नष्ट होते हुए देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। मैं इसके विरुद्ध बोलना चाहती थी, ऐसा कुछ करना चाहती थी कि जिससे मैं ये बर्बादी रोक सकूं, पर मैं थी तो एक बच्ची ही ना। ये मंच एक ऐसा मंच है जिससे मैं कई सारे लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा सकती हूँ मदर नेचर के प्यार के लिए, और अब अपने प्लेटफॉर्म की वजह से प्रदूषण को खत्म करने और कम करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ प्लास्टिक मुक्त अभियान शुरू किया। अरुणाचल में घरेलू कचरा डंप का 70-80% कचरा प्लास्टिक का प्रदूषण है। इतना ही नहीं, कैपिटल कॉम्प्लेक्स के डीसी ने भी इस अभियान पर उनका बड़ा समर्थन किया है। ये अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं हमारे स्टेट के, वो सब नेचर से बहुत जुड़े हुए हैं। हमारा स्टेट हरा भरा स्टेट है, लैंड ऑफ डॉनलिट माउंटेन्स हैं, और इस स्टेट के अंदर हमारी अरुणाचल को रिप्रेजेंट करते हुए ओसिन मोसु ने एक मुहिम चलाई है प्लास्टिक फ्री डिस्ट्रिक्ट की और स्टेट की, और साथ ही साथ में वो फेमिना मिस इंडिया में अरुणाचल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उनके इस सोशल कॉज को जो उन्होंने टेकअप किया है, ये बहुत ही सराहनीय है, और इससे हम लोगों का और हमारे समाज का बहुत फ़ायदा होगा। मैं हमारे कैपिटल सिटी के सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि प्लास्टिक हटाओ और अपना कैपिटल बचाओ। क्षेत्र के बाजारों में बुने हुए कपड़े के बैग मुफ्त में बांटे। अभियान के अलावा फेमिना मिस इंडिया 2018 के अंतिम यात्रा के लिए खुद को तैयार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू, पार्लियामेंट सेक्रेटरी लेखा साया और न्यामर कारबाग, पार्लियामेंट सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मंत्रियों का भी बड़ा समर्थन रहा है उनके लिए, और वह आशा करती है कि उनके इस अभियान में सभी अरुणाचल वासी उनका साथ देंगे, चाहे वो इस मंच में रहे या ना रहे। I want to appeal all of you to please support me. Without your love and support, I cannot complete my journey of Miss India Femina 2018. So thank you so much.